मूसलाधार बारिश से 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों और गलियों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा, कई इलाके पानी पानी हो गए। हॉस्पिटल्स में भी पानी घुस गया। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फ्रंट लगने और इमारतें गिरने से 5 अफराद जान बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्माइल हनिया की शहादत बैन-अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन में भी खून की होली खेली जा रही है। तारीख में ऐसे वाक़यात किसी ने नहीं देखे होंगे। इस दरिंदगी पर दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। खामनाई ने ईरान को इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह हुक्म सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामे इजलास में दिया। उधर इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर खामनाई ने अमामत की। और ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि फौज अवाम में से है। मुस्लिम इग्नून और पीपल्स पार्टी फौज और पीटीआई में दूरियां पैदा कर रही है। मुल्क का जस्टिस सिस्टम साबिक वजीर आजम से इंसाफ करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बानी पीटीआई के केसेस से अलग हो जाए।